तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम लोग जैसे एग्जांपल लास्ट क्लास में क्या बताए थे कि हमारे से एक ये हमारा कोई बॉल है, ठीक है, या सिंपल यही ले लो ना कि सपोज एक कटोरा है, ठीक है, एक कटोरा है और यहाँ पे एक क्या है हमारा, ये रहा हमारा पार्टिकल है। तो यहाँ जब पार्टिकल होगा तो आराम से चुपचाप खड़ा रहेगा, तो जहाँ पे चुपचाप रहेगा आराम शांत रहेगा आप बाबू चुप, तो वो जगह कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है मीन पोजिशन। क्या कहलाता है, मीन पोजिशन। अब क्या करें, मीन पोजिशन से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, मीन पोजिशन से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो, तो डिस्प्लेस करके हम यहाँ ले आए, ठीक है, ये पॉइंट पे ले आए सपोज। फिर जब डिस्प्लेस किए ना तो ये क्या हो गया, ऐसे करके यहाँ ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये ऑसिलेट कर रहा था, इसी ऑसिलेशन में क्या नाम है हमारा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन जब इसका इक्वेशन लिखते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इस सवाल में तुम्हारा यहाँ पर जो मैक्सिमम गया वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये दो पॉइंट, ठीक है। तो एक को बोल दो प्लस, एक को बोल दो माइनस, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड इस ऑसिलेशन का, बात समझ में आ रहा है। अब देखो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसा ऐसे ड्रॉ करो, तो ये जो तुम्हारा ये उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा माइनस का, और ये वाला जो चीज़ है ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये एम्पलीट्यूड ये क्या कहलाता है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई बॉल यहाँ पे आया है, ये बॉल यहाँ पे आया है और यहाँ से रिटर्न हो रहा है, इसका जरूर मतलब यहाँ पे इसका स्पीड कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा, कितना रहा होगा, जीरो, तभी ना रुकेगा भाई साहब, रुके जैसे मानो कि इसको हम फेंक रहे हैं, ये ऊपर फेंके और यहाँ जाकर रुका, तो यहाँ जाकर रुकने का मतलब यही है कि इसका स्पीड क्या समय के साथ घट रहा है और समय के साथ घट के जीरो होगा, जहाँ जीरो होगा वहाँ रुकेगा फिर वापस नीचे आएगा। तो वही हो रहा है कि इसका समय जैसे जैसे ये यहाँ आगे बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, यहाँ जीरो हो गया, जैसे जीरो हो गया वापस होना शुरू हो गया, वापस, अब स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा, पूरा यहाँ पर पहुँच गया मीन पॉइंट पे, तो मैक्सिमम हो गया। तो वापस जब मीन पॉइंट पर पहुँचेगा वहाँ पर स्पीड क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा, स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, स्पीड मैक्सिमम, ये बात क्लियर है, स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर अब जब ऊपर जाने लगेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड घटना शुरू होगा, घटते यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर जब जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट, और एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड, यहाँ स्पीड क्या बताया था, जीरो। फिर अब वो नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, घटे जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, बढ़ते मैक्सिमम, फिर ऊपर घटते जीरो, तो ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बस एक चीज एज्यूम क्या किए हैं कि इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या हो रहा है, ये जो मोशन है क्या एज्यूम किए हुए हैं, एज्यूम ये किए हुए हैं कि समय के साथ, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो समय के साथ, उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम जब झूलवा झूलते वहाँ पे हम लोग, तो झूला क्या होता है, पहले वाला पूरा पिकअप लेता है, एकदम लंबा हाइट जाता है, फिर उसका दूसरा जब राउंड आता है तो थोड़ा सा और कम हो जाता है, तीसरा में और कम हो जाता है, मतलब इसका समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू कर रहा है। यदि समय के साथ यदि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या हो, उसका डिक्रीज हो, खत्म होना शुरू कर जाए, इसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। हर एक चीज जो अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा है सब ऑसिलेशन का एग्जांपल है, गीता का स्विंग हो, झूला हो, पेंडुलम हो, ठीक है, सब क्या है, क्लियर, ठीक, याद हो गया था। और हम लोग तीन फॉर्मूला लिखाए थे, याद करो, एक फोर्स का फॉर्मूला लिखाए थे जो क्या था, माइनस के एक्स था, दूसरा लिखाए थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो क्या था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स था, तीसरा फॉर्मूला किसका लिखाए थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाए थे जो क्या था तुम्हारा, प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूला अभी तक हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो,
अब हम पूछते हैं कि भाई साहब कि इसका फेज डायग्राम कैसा होगा। फेज डायग्राम हम फेज डायग्राम का क्या मतलब था पहले ये जानो। फेज डायग्राम यदि कोई डायग्राम मोमेंटम और एक्स का है, मोमेंटम और एक्स का है, या मोमेंटम जो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, यदि कोई ऐसा स्पेस मोमेंटम और एक्स के कोऑर्डिनेट हो उसमें, वह स्पेस जैसे मानो कोई यहाँ पॉइंट लेंगे, यह पॉइंट में क्या होगा यहाँ पे मोमेंटम होगा और एक्स, इस पॉइंट पे एक्स होगा और मोमेंटम होगा। और तुमको पता है एक बात, यदि किसी पार्टिकल का तुमको दो चीज़ पता हो, मोमेंटम और पोजिशन, तुम उसका हर एक फिजिकल क्वान्टिटी ड्राइव कर सकते हो। मोमेंटम से तुम उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, फिर तुम वेलोसिटी पता चल जाए तो तुम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मैं समझ गया। पोजीशन से तुम उसका स्पीड निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन पता चल जाए तो तुम उसका फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स पता चल जाए तो तुम उसका मोशन बता सकते हो। तो इसीलिए ये जो डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, क्योंकि इसमें जो दो क्वांटिटी है ये और ये इंडीड सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कोऑर्डिनेट है, ऐसा कोऑर्डिनेट है जो फिजिक्स के हर पार्टिकल के ऑब्जेक्ट का मोशन को आराम से डिस्क्राइब कर सकता है। यदि तुम उसका क्या चीज दो चीज़ जानो, मोमेंटम और पोजीशन, इसे तुम देना अनहाइजनबर्ग सर्टेंटी एंड प्रिंसिपल में दो चीज़ है, मोमेंटम है और पोजीशन है। बड़ा अनहाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डेल्टा चेंज इन मोमेंटम इनटू डेल्टा एक्स ये बराबर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू, ये पढ़ा है, ये बोलते हैं अनसर्टेंटी हाइजनबर्ग प्रिंसिपल है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोग, फिजिक्स में भी चीज़ है लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये। तो अभी हम लोग हाइजनबर्ग पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग अपना वेब पे डाल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग फेज डायग्राम का बात कर रहे हैं, और हमको जानना है कि फेज डायग्राम में यदि एसएचएम हो रहा है तो यहाँ फोटवा कैसा बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम बताए थे कि तुम्हारा चार पांच जो तरह का इक्वेशन है हम लोग अभी पढ़ना है। एक तो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। दूसरा ये हम लोग ऑब्वियसली मैथ वाले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए बस देख लेते इक्वेशन, ठीक है। सर्कल है, उसके बाद क्या है इलिप्स है, इलिप्स है, और क्या है हाइपरबोला है, हाइपरबोला, और एक और है पैराबोला है, क्या पैराबोला, ये कुछ चार पांच है। उसका फोटोवा देख लेते हैं कि इसका फोटो कैसा लगता है, देखने में कौन सुंदर है, कौन टेढ़ा है, कौन मोरा है, सबका फोटोवा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन का फोटो देख लो। दो एक बार बात, किसी का फोटो बनाना है उसके लिए क्या होना चाहिए, कैमरा चाहिए। इसलिए यहाँ पे किसी का डायग्राम बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, ठीक है। विदाउट इक्वेशन तुम डायग्राम नहीं, तो बचपन में याद है कि हम लोग बनाते थे तो ऐसे करते थे, वो डब्बा बनाते थे कॉलम, और ऐसे करते थे यहाँ एक्स और यहाँ वाई लिखते थे, और यहाँ कोई इक्वेशन दिया होता वाई इक्वल टू फोर एक्स ऐसा दिया रहता था, तो यहाँ हम लोग पुट करते थे एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू टू तो वाई का वैल्यू आठ, ये कर देता, फिर इसका ऐसे करके डायग्राम होता था और पॉइंटिंग कर देता, जीरो जीरो यहाँ पे है और वन फोर यहाँ पे है और टू एट यहाँ पे है, टू एट, और तुम जब ये पॉइंट है, अगर तुम ये पॉइंट वैसे मिलाओगे तो ये पॉइंट कैसा आएगा, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इससे पता चलता था कि ये जो क्वेश्चन है किसका है, स्ट्रेट लाइन का, और ये पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसीलिए इसी का इक्विवेलेंट एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या होगा एम एक्स, जहाँ एम का वैल्यू चेंज हो सकता है, चार पाँच छः सात आठ नौ कुछ हो सकता है, और जो एम है उसको स्लोप बोलते हैं मैथ में, तो क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, मतलब ये एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो एम क्या होता है टेन थीटा, हम लोग पढ़ेंगे उसको मैथ के क्लास में कि एम क्या होता है टेन थीटा, और थीटा को क्या बोलते हैं वहाँ पे, टेन थीटा क्या बोलते हैं स्लोप, तो कितना ढलान है, इतना ये ढलान जो है ना, ये ढलान डिसाइड करता है, ये ढलान कौन डिसाइड करता है, ये एम का वैल्यू डिसाइड करता है, क्लियर है। और उसमें एक्स है, तो ये देखो जैसे ऐसा फार्मूला को हम लोग क्या कर दिया, एक जनरल फार्मूला में लिख दिया ऐसा, लेकिन ये जब ओरिजिन से पास कर रहे थे तब है, लेकिन जब ओरिजिन से पास ना करके कहीं यहाँ से पास करें, कुछ यहाँ काट रहे हैं सी पे, तो क्या करते हैं यहाँ प्लस सी ऐड कर देते हैं, तो बोलते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वाई प्लस एम एक्स याद रखना पड़ेगा, मुझ मानिए वाई प्लस एम एक्स प्लस सी, वाई प्लस वाई कॉस्ट एम एक्स प्लस सी, वाई कॉस्ट एम एक्स प्लस सी, ये किसका क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ग्राफ कैसा होगा,
तो ये ऐसा कट कर रहा होगा, यहाँ ये कहाँ कट कर रहा होगा वाई एक्सिस में, सी पे कट कर रहा होगा, तो ये है फोटो, ठीक है। और ये जितना यहाँ से एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये एंगल थीटा, तो ये टैन थीटा लिख लेंगे तो क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू ये एम होगा, और एम को क्या नाम देते हैं, स्लोप, क्या नाम देते हैं, स्लोप, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते और छापना बाद में, ठीक है, पहले बता देते हैं। अब दूसरा फोटो देखेंगे, पहला फोटो क्लियर है स्ट्रेट लाइन का, पहला फोटो क्लियर है स्ट्रेट लाइन का। दूसरा ऐसा क्वेश्चन दे दिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम चलो इसे पुट करके देखते हैं, हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है। एक्स लिखते हैं यहाँ, वाई लिखते हैं, दो तीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यदि एक्स का वैल्यू लिख देते हैं जीरो, तो एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स का वैल्यू लिखते हैं माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर यहाँ वन, एक्स का वैल्यू प्लस वन लेते हैं तो यहाँ भी वन, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस टू लेते हैं तो क्या होगा, माइनस टू का स्क्वायर चार, और एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस टू लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ चार होगा। यदि हम यहाँ प्लॉट करना चाहें तो देखो कैसे प्लॉट होगा, ये होगा जीरो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री और फोर, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर, ठीक। अब पहला क्या है कोऑर्डिनेट, एक्स जीरो जीरो, ये रहा जीरो जीरो। दूसरा है माइनस वन, माइनस वन यहाँ और वन यहाँ पे, ये रहा ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है वन वन, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है टू फोर, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है माइनस टू और फोर, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर इस चारों को अभी हम जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा फोटो आता है, बात क्लियर है, दूसरा कलर देख लेते हैं, कुछ ऐसा फोटो आया है, ठीक है। जो ऐसा ऐसे है, ये क्या है, पाराबोला, ये क्या है, ये क्या है, पाराबोला, स्ट्रेट लाइन पाराबोला, स्ट्रेट लाइन पाराबोला, क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पाराबोला, पाराबोला, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक से यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस यदि तुम्हारा कोई भी इक्वेशन वाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ दिखे तो वो क्या बोल देंगे, ये कैसा है, पाराबोला है, ठीक है। जैसे वाई का शू है फोर ए स्क्वायर, फोर ए एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पाराबोला का क्वेश्चन है, ये बात समझ में आया, ये क्या हमारा पाराबोला है, ठीक, क्लियर। पाराबोला के बाद चलते हैं हम लोग दूसरा, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स से पहले सर्कल, इलिप्स से पहले सर्कल, इलिप्स से पहले सर्कल। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, ए क्या होता है, रेडियस होता है, क्लियर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेंटर ऑफ सर्कल है, मतलब इसका सेंटर, इस इक्वेशन में सेंटर कहाँ पे होगा सर्कल का, वो जीरो जीरो पे होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तुम प्लॉट भी करके देख लेना, जैसे हम लोग प्लॉट कर रहे थे ना, तुम प्लॉट करोगे तो तुमको ऐसा फोटोवा दिखेगा, प्लॉट करेंगे समय खराब होगा इसलिए ऐसा। और यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इधर का ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, और इधर का भी डिस्टेंस ये क्या होगा, ए ही होगा, मतलब एक्स एक्सिस में भी ए होगा और वाई एक्सिस में भी ये ए होगा। तुम यहाँ से देखो, यदि हम लोग ऐसा लिखना चाहें एक्स स्क्वायर, यदि एक स्क्वायर इधर ले आए तो यहाँ होगा ए स्क्वायर, ठीक, फिर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। तुम देखो ना यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब जो ये इक्वेशन है, तुमको ना एक और इक्वेशन की तरह फील आ रहा होगा, देखो यदि हम लोग ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब एक्स में जो है ए ही है, लेकिन y का वैल्यू चेंज कर देते हैं, y का वैल्यू क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख देते हैं, y का वैल्यू क्या कर दिए यहाँ पे, चेंज कर दिए। और यहाँ मानते हैं कि b जो है ना छोटा है a से, मान लेते हैं b छोटा है a से, तो अब क्या होगा कि a तो उतना ही रहेगा, b क्या होगा, अच्छा पचक जाएगा, b क्या होता है, ये अब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पहले a था, अब क्या हो गया है, b, y एक्सिस में क्या हो गया, b हो गया, मतलब ये अब b बन गया है। अब b क्या है, ए से छोटा है, इसीलिए इसका अब इसको मॉडिफाई कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, देखो बी को थोड़ा पतला कर दो और ए को उतना ही रखो, तो ये हो गया तुम्हारा बी जो पतला हो गया है, ए वही है, इसको बोलते हैं इलिप्स, क्या बोलते हैं, इलिप्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलिप्स क्या है,
या ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर्कल क्या है, एक इलिप्स का स्पेशल काइंड स्पेशल टाइप है। तो सर्कल सर्कल है ये, सर्कल में दोनों एक्सिस का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, दोनों का डायमीटर सेम होगा, यहाँ भी ए तो यहाँ भी ए। लेकिन जब इसको ऐसे मार धपक पचका देंगे तो क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा, सर्कल इलिप्स, सर्कल इलिप्स, बात क्लियर है। और ये होगा तुम्हारा इलिप्स का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन हो गया, इलिप्स का इक्वेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो सर्कल का फोटो ऐसा होगा, इलिप्स का फोटो कैसा होगा, एक एक एक्सिस में पचकल होगा और दोनों तरफ बराबर होगा, जैसे था वैसे था, इसको थोड़ा सा पचका दो, ठीक है, जैसे इसको ऐसा इलिप्स का इसी पे बनाए हम, इसी पे बनाए तो ऐसा होगा तुम्हारा कुछ, ये क्या हो गया, ये इलिप्स होगा और ये ललका वाला क्या हो गया, सर्कल हो गया, क्लियर है, सर्कल और इलिप्स क्लियर है, क्लियर है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन देख लिए, सर्कल देख लिए, इलिप्स देख लिए, पैराबोला देख लिए, ठीक है। और एक हाइपर बोला है, उतना अभी फोर टाइप में उसका जरूरत नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे साइन माइनस हो जाए तो हाइपर बोला का फोटवा बन जाता है, ठीक है, चलो ठीक, यहाँ क्लियर है, ठीक, आगे चलते हैं। तो अब वही क्वेश्चन, अब अपना बैक टू अवर क्वेश्चन, कि बोलता है फेज स्पेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, सर्कल दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखते हैं कैसा दिखेगा। तो देखो फेज स्पेस में हमारा किसका दो कोऑर्डिनेट है, हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स का और बी का, एक्स और बी, या बी बोलो या मोमेंटम बोलो, पी, ठीक। अब देखो फॉर्मूला रिमाइंड करो, फॉर्मूला रिमाइंड करो, कौन ऐसा क्वेश्चन है हम पढ़े हैं जिसमें वेलोसिटी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, वेलोसिटी भी एक्स आ रहा है, एक ही क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़े हैं, ठीक। यही एक क्वेश्चन पढ़े जहाँ पे वी भी आ रहा है जो वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स भी आ रहा है जो एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। तो इसी को हम लोग अब टेढ़ा मेढ़ा घोचा पोचा करके बताना है कि कैसा दिखता है ये। तो जो क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो रिकॉर्ड हो रहा है, अब यहाँ पे जो क्या करेंगे, इसको ये एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन है, कहाँ पे, क्योंकि हमको इधर वन बनाना था, इसीलिए यहाँ वन बनाना था। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसा था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, हमको यहाँ वन बनाना है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड किए, ठीक। तो अब फोटवा देखो कैसा बन रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये कैसा फोटो है, किसका फोटो है ये, देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, मैथ लिख दिया, अरे लड़का मैच। देखो यहाँ पे y एक्सिस में b की जगह क्या है, b की जगह है ये y एक्सिस है ना, b कहाँ है, y एक्सिस में है, तो b की जगह क्या है, यहाँ पे a ओमेगा है, और a की जगह क्या है, यहाँ पे m, सॉरी ये एक एक की जगह क्या है, यहाँ पे ये कैपिटल a है। इसका फोटोवा बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो तो फोटोवा इसका कैसा बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा अपना y एक्सिस में हमारा क्या ए ओमेगा है, तो ये रहा ए ओमेगा y एक्सिस, और x एक्सिस में क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड a है, तो ये तुम्हारा क्या x एक्सिस, ठीक है, ये क्या हमारा इलिप्स, ठीक है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि फेज डायग्राम में, फेज डायग्राम में, फेज डायग्राम किसको बोलते हैं, जिसका मोमेंटम और x का कोऑर्डिनेट हो, ओसा डायग्राम में हमारा इलिप्स कैसा फोटवा बनाता है, इलिप्टिकल इलिप्स, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ। इसीलिए एकदम रट लेना है कि वी वर्सेस, यही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि वी वर्सेस एक्स डायग्राम में एसएचएम इलिप्टिकल होता है, ठीक।
कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वेव इक्वेशन क्या करते हैं। वेव इक्वेशन क्या होता है? वेव इक्वेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं? इक्वेशन क्यों यूज, हम कोई इक्वेशन लिखते क्यों करते हैं? फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक्स में सबसे वेव इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले वेव समझ में आता है, वेव क्या है तब ना इक्वेशन का बात करेंगे। पहले वेव क्या है? अच्छा, ठीक है, उसे हम लोग जो वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें फिर से वेव को पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक टर्न वेव आ गया है तो इस वेव को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। फिजिक्स में किस चीज़ का स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग थिंग दैट इज मैटर का स्टडी करते हैं। और मैटर किस चीज़ बना हुआ? एटम से बना हुआ है। और एटम किस चीज़ से बना हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये क्या कर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, तुम अपने आप को याद करो कि अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या क्या पढ़े हो। दो चीज पढ़े हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, एक तो उसका चार्ज पढ़े हो, दूसरा उसका क्या पढ़े हो? मास। पर अभी तक क्या पढ़े हो? दो चीज पढ़े हो, एक तो क्या पढ़े हो? चार्ज, और दूसरा पढ़े हो मास। तो ये चार्ज और मास है ना, बेसिकली क्या हो गया? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया। तो इसीलिए बोले फंडामेंटल पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज और मास है। बस समझ में आया? फिजिक्स में तुम देख लो, पूरा फिजिक्स में दो ही चीज़ें स्टडी करते हैं। पूरा इलेवंथ में सिर्फ मास का डिस्कशन करते हैं। देख लो, ग्रेविटेशनल वेव, फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल तुम्हारा ये मोशन, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या मास का ही डिस्कशन है। बस समझ में आ गया? पूरा क्लास इलेवंथ सॉरी ट्वेल्थ चार्ज पर डिस्कस, इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट, ठीक है, चार्ज पर डिस्कशन। तो ये दो चीज़ तुम्हारे क्या है? बहुत फंडामेंटल है। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोला था? मास जो है ना, लगभग तुम्हारा क्या है? एनर्जी एक ही चीज़ है। मास और एनर्जी क्या है? एक ही चीज़ है। इसका मतलब मास और एनर्जी क्या है? एक ही चीज़ है, ठीक है। क्या बात, रुक गया, चलने लगा, हो गया। तो मास और एनर्जी क्या है? दोनों एक ही चीज़ है, क्लियर। तो 11 में लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मास का डिस्कस कर रहे हैं, डेट मीन्स एनर्जी का डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेव में है क्या है? एनर्जी है। तो अब हमारे पास क्या है? टैक्स, एनर्जी का ट्रांसफर। हमारा सबसे मेन समस्या, मतलब मेन चीज़ क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर कैसे किया जाए, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। क्या अभी टैक्स हमारा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। मेरा टैक्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना हमारा टैक्स है। हमारा टैक्स क्या है? नेचर का टैक्स है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, बहुत थके हुए हैं क्योंकि खाए व्याय में कुछ नहीं है, तो पानी क्वेश्चन है तुम्हारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं अभी, तो साउंड निकल रहा है, साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। और वो कहाँ? इसके पास पहुँच रहा है, वो भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म। मतलब साउंड क्या है? एनर्जी है, जो एक जगह से मेरे कान मुँह से उसके कान में पहुँच रहा है, मेरे मुँह से तुम्हारे कान में पहुँच रहा है। तो एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लाइट जला, लाइट को जला, लाइट क्या एनर्जी है? वहाँ से निकल के तुम्हारे पहुँच रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है। तो ये क्या एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है? नहीं नहीं, सुनो बात। अब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या दो जरिया है, दो तरीका है? सपोज करो कि चार ठो आदमी ऐसे बना दिया, इसको हम लोग क्या किए? एनर्जी दिए। इसको हम लोग क्या किए? एनर्जी दिए। अब एनर्जी इसके पास क्या है? अब ये अपना हाथ में एनर्जी रख लिया है या भर लिया है, ये एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। अब इस एनर्जी को हमको देना है, इसको
इस एनर्जी को हमको इसको देना है। तो दो तरीका हो सकता है देने का, एक तो क्या है ये सीधे जाए इसको दे दे, सीधे जाए इसको दे दे। दूसरा तरीका क्या है, ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे। एक तरीका ये सीधे यहाँ से जाए, ये पहला तरीका, और ये दूसरा तरीका। जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पार्टिकल, उसको पार्टिकल नेचर बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। मतलब क्या, एक जगह से डायरेक्ट गया और इसको मिल गया, ये पार्टिकल नेचर है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, उठाएं और जाकर इसको दे दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, इसी को क्या बोलते हैं, ये वेव है, ये वेव है। वेव कैसे है, एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। एनर्जी वेव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ मीटर, ये मीटर है, जब बाय द हेल्प ऑफ मीडियम, मतलब अरे मानो ये दोनों उड़ा दिए, दोनों खत्म करें, क्या उसको एनर्जी मिल पाएगा, तो वेव के थ्रू नहीं मिल पाएगा। तो यदि मिलना है तो ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा, बात समझ आ रहा है। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी वेव क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें क्या चाहिए, क्या जरूरत है, मीडियम जरूरत है, इसीलिए हम बोलते हैं साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरत है, मीडियम ट्रेवल है जरूरत है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं कि मीडियम नहीं चाहिए उसको, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेव को पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, नॉन ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फोर टाइम बिगिन, वेव समझ में आया ना, वेव समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन करें एनर्जी का, तो हमको वेव इक्वेशन का करना मतलब ये है कि हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी हम डालेंगे, जैसे मान एक्स और वाई डाले हैं, कोई कोऑर्डिनेट डाले हैं, तो वो एक्स और कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को मिलने से हमको एनर्जी के बारे में पूरा पता चल जाए, एनर्जी के बारे में पता चल जाए। देखो हम अभी तुम लोग पता नहीं होगा, हम लोग बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्प्रिंग में पड़े हुए स्प्रिंग फोर्स ये होता है। काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा डायरेक्टली ये भी होता है तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर। ये तुम देखोगे वी भी क्या है एक्स बाय टी है, ये भी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर किसका है, पोजिशन का है, और पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा क्या है, पोजिशन का है। तो हमको ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट मिला जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम कुछ ऐसा इक्वेशन यहाँ ड्राइव करें कि हमको कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, और हम डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से एनर्जी फाइंड कर पा रहे हैं, तो बोलेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेव इक्वेशन, बात समझ में आया। तो हमको यही इक्वेशन चाहिए, यही वेव का इक्वेशन चाहिए जिसके हम लोग क्या निकाल पाए, डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए, टाइम पीरियड निकाल पाए, एम्पलीट्यूड निकाल पाए, और वही डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमको एम्पलीट्यूड पता चल गया तो क्या इससे हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं ना, वेलोसिटी पता कर सकते हैं। वेलोसिटी पता हो गया तो क्या इससे हम काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर से। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलो वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, या सिंपल या लिख दो इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये पढ़े हैं, ठीक। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो पढ़े हो गए, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। इसीलिए यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले आओ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। यही तुम्हारा क्या अभी भी क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, यहां पे ओमेगा क्या है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग ड्राइव कर सकते थे दूसरा तरीका से, वो फोर्स के हेल्प से दोनों से इक्वल रिजल्ट सेम ही आएगा। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, वही चीज़ हो गया ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, और ये लिखेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस के बाई एम एक्स। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे इस दोनों को, माइनस ये प्लस हुआ, ठीक। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, देखो तो ये इसको आप इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, के बाय एम, ठीक है। लेट बाद में ड्राइव करेंगे कैसे आया। ठीक है, ये जो है तुम्हारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और तुम लोग को सिर्फ जो तुम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 तक का जो सिलेबस है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसी को सॉल्व करने का तरीका पता है, ठीक है। सेपरेशन वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितना है, 2 है। कितना डिग्री है यहाँ पर, डिग्री कितना बताओ, 2 है। और डिग्री 2 करने का तुम्हारे पास अभी फिलहाल तुम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फिलहाल तुमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो पढ़ना ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तुमको पढ़ना नहीं है इसको, सेकंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। और ये क्या है, बी इक्वेशन तुम्हारा सेकंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक ये सॉल्यूशन है, हम लोग मान लेते हैं, और उस सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे तो इसका यदि वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, समझा। तो बोलेंगे यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सपोज करो कि हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ऐसा है, और हमको पता नहीं है सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल, वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 करेंगे 2 करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं प्लस 2, तो 2 जब पुट करते हैं तो क्या आता है आंसर, एक्स का यहाँ पर 4 आता है, तो यस इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 होगा। यदि -2 पुट करते हैं तो भी आता है 4, तो बोले ओ इसका 2 सॉल्यूशन होगा, +2 और -2। कैसे पता चला, हम अपने मन से मान लिए कि ऐसा हो सकता है, अब पुट करके देखे और देखने पर क्या रिजल्ट आया, हाँ सही है। तो फॉर टाइम भी इसका सॉल्यूशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग चाहोगे तो हम लोग सॉल्व करवा देंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए स्किप करते हैं। इसका सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक। और इसका सॉल्यूशन जो आता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा तुम्हारे, इसका यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आता है एक्स इक्वल टू क्या आता है सॉल्यूशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, जो हमको पढ़ना फिलहाल नहीं है, फोर टाइम भी इसको रट लेना है, ठीक है। लेकिन इतना तुम हम पे विश्वास करो कि यही इसका सॉल्यूशन यही आएगा, और जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। पुट कर देख लेंगे क्या तुम पुट, हाँ ले सकते हैं हम, क्या बता रहे, याद करो, याद है हम बोल रहे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को यदि साइन के टर्म में लिखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कहेंगे, कह सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन है उसको साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन फंक्शन और कोसाइन के फंक्शन में, तो क्या हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन एक, सॉरी सिंपल ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों बराबर चीज़ है। तुम देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसको सॉल्व करके इसमें पुट करना और देखना क्या 0 आ रहा है वैल्यू, इसको सॉल्व करना, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, यहाँ पुट करना टाइम के साथ, फिर इसको यहाँ पुट करना, फिर सॉल्व करना, देखना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या हो गया, वेव इक्वेशन क्या हो गया,
इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम या वेव इक्वेशन बोलो, या वेव इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ए क्या है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है, इनिशियल फेज है। सो क्या बोलते हैं, हम समझाएंगे सब सारा टर्मिनोलॉजी समझाएंगे, इनिशियल फेज। और ये पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को नाम दिया है फेज, क्या नाम दिया है, फेज। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, ठीक। हम लोग यहाँ से सिंपल वेव इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा ना खाना पीना नहीं खाएंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अतः थोड़ा नाश्ता करेंगे ठूस करके 50 ग्राम रोटी, ठीक। समझ में आया, आज आया, कोई दिक्कत नहीं ना, मैथमेटिक्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तुमको, ठीक। इस सबको छाप लो, तो यहाँ जाओ, ठीक।